हेलो गाइस, वेलकम टू लाइव शिक्षा ट्यूब। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 33, और इसके अंदर मैंने रीजनिंग, करंट अफेयर, जनरल साइंस मतलब जीएस, जीके मतलब जनरल नॉलेज आदि के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। दोस्तों, बार बार कुछ स्टूडेंट मेरे को क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हिस्ट्री और जियोग्राफिक से क्वेश्चन आएंगे या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपकी हेल्प के लिए बता दूँ कि हिस्ट्री और जियोग्राफी के बारे में आपके सिलेबस में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसके चांसेस नहीं बनते हैं। अगर आएगा भी तो एक क्वेश्चन आएगा बहुत मुश्किल से, बट सिलेबस में हिस्ट्री और जियोग्राफी के बारे में कुछ नहीं दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सूडान, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है कैनेडा, ऑप्शन डी रहेगा ब्राजील। तो दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है वो है कैनेडा। दोस्तों, एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल 23 देश हैं, जिनमें सबसे बड़ा देश है कनाडा, उसके बाद आता है अमेरिका और उसके तीसरे नंबर पे है मैक्सिको। अमेरिका 2 नंबर पे है याद रखिएगा, और मेक्सिको 3 नंबर पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। उत्पाद के समस्त वास्तविक तथा संभावित क्रेताओं के समुच्चय को क्या जाना जाता है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक्स से, आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स से 2-3 क्वेश्चन आएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ग्राहक समूह है, ऑप्शन बी है उद्योग, ऑप्शन सी है बाजार, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, उत्पाद के समस्त वास्तविक तथा संभावित क्रेताओं के समुच्चय को बाजार कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी बाजार। आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए दिमाग को खुला रखना है और क्वेश्चन को बार बार पढ़ना अगर क्वेश्चन समझ नहीं आए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। बाकर कप तथा डन हिल कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है फुटबॉल से, ऑप्शन बी है गोल्फ से, ऑप्शन सी है पोलो से, ऑप्शन डी है टेबल टेनिस से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो आरआरसी का एग्जाम हुआ था नवंबर 2014 में, उसके अंदर खेल जीके, स्पोर्ट्स जीके से काफी क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैं स्पोर्ट्स जीके भी के भी क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। तो हमारे पास इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी गोल्फ। गोल्फ में ही बाकर कप और डेन हिल कप दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, ये है, हम शुरुआत कर रहे हैं रीजनिंग की, तो मैं बहुत ही छोटे लेवल पे क्वेश्चन डाल रहा हूँ। तो आपको बता दूं कि सीरीज का और नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आएंगे। तो हमारे पास देख लेते हैं, ऑप्शन ए है इसका 33, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है आपका 38 और ऑप्शन डी रहेगा आपका 37। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको पेन और पेपर की आवश्यकता नहीं होती, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और सीरीज को बार बार देखेंगे तो हो जाएगा। देखिए 17+5 22, 22+5 27, 27+5 32, ठीक है, मतलब 5 5 5 5 सब में ऐड किया है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी 37। आप मत समझिए कि इतना इजी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बहुत टफ आएगा, थोड़े थोड़ा लेवल में डेली बढ़ाता जाऊंगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है 82, 25, 74, 40, 66। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 65, ऑप्शन बी है 55, ऑप्शन सी है 60 और ऑप्शन डी रहेगा 75। दोस्तों, इसके अंदर आपको करना क्या है कि देखो, गौर से देखो इस सीरीज को, इसमें 82 के आसपास है 74, 74 के आसपास है 66, 25-40 ये डिफरेंट है। तो इसके अंदर क्या होगा कि दो सीरीज बनेगी, एक तो 82, 74, 66 वाली, एक 25-40 और ये वाली। तो 82 वाली सीरीज में क्या है कि 8-8 आपको घटाते जाना है, 82 में से 8 माइनस करोगे तो 74 मतलब 74 आए, 74 में से 8 घटाओगे तो 66 आएंगे। अब 25 वाली सीरीज का अगला अंक आएगा 66 के आगे, तो अपने को क्या करना है, 25+15 40, 40+15 कितना होगा 55। तो आंसर आएगा इसका बी। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। लाउड को JQSF तो PKQG को क्या लिखेंगे। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रहेगा आपका राइज, ऑप्शन बी है रोप, ऑप्शन सी रहेगा आपका रोड और ऑप्शन डी रहेगा आपका राइज। दोस्तों, इसका मैं आंसर बता रहा हूँ, आप सोल्व कर लीजिए, समझ आ गया होगा कि एल से जे कैसे है, ओ से क्यू कैसे है, यू से एस कैसे है, इस टाइप से बनेगा। तो मैंने एक फॉर्मूले के सॉरी आपको शो करने के लिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए डाला है ये क्वेश्चन। अब मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन सही हो रहा है उसके 1 मार्क्स इंक्लूड कर लीजिए, जो गलत है उसके 0 मार्क्स इंक्लूड कर लीजिए। लास्ट में टोटल करेंगे कि किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रहेगा आपका शार्क के, ऑप्शन बी है मिक्साइन के, ऑप्शन सी रहेगा ट्राइगोन के और ऑप्शन डी रहेगा आपका सिफ्राना। तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी मिक्साइन के जबड़े नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। हाल ही में, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है,
जो अभी एक दो दिन पहले हुआ है, हाल ही में मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कनराड संगमा, ऑप्शन बी है योगी आदित्यनाथ जी, ऑप्शन सी रहेगा आपका मनोहर पारिकर, ऑप्शन डी रहेगा आपका मानिक सरकार। दोस्तों जो योगी आदित्यनाथ जी है वो यूपी के सीएम है और और हाल ही में मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में कोनराड संगमा को नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए कोनराड संगमा। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रहेगा आपका एंगलर, ऑप्शन बी रहेगा आपका लिनियस और ऑप्शन सी रहेगा आपका अरस्तु और ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों आपका लेमार्क। दोस्तों निम्नलिखित में से वर्गीकी का पितामह कहा जाता है वो है लिनियस जी, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी लिनियस। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, मतलब अभी करंट में कौन है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपका मीरा कुमार, ऑप्शन बी रहेगा आपका सुमित्रा महाजन और ऑप्शन सी रहेगा आपका के रहमान खान और ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों आपका अरुण जेटली। दोस्तों 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं जो है सुमित्रा महाजन, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी सुमित्रा महाजन। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने अभी एक वीडियो पीछे ही एक दो दिन पहले ही अपलोड किया था, उसको देख लीजिएगा, लास्ट में वो वीडियो मैं अटैच कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रहेगा आपका फजल अली, ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों आपका सरदार पटेल, ऑप्शन सी रहेगा आपका गोविंद वल्लभ पंत और ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे फजल अली, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए फजल अली। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रहेगा आपका विषाणु से, ऑप्शन बी रहेगा आपका जीवाणु से, ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों आपका यीस्ट से और ऑप्शन डी रहेगा इन प्रोटोजोआ से। दोस्तों हाइड्रोफोबिया रोग है वो विषाणु से उत्पन्न होता है। मैं आपको एक राय देता हूँ, विषाणु जीवाणु और कवक से होने वाले रोगों के बारे में अच्छी तरह पढ़ लो, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं, सार्स क्या है, SARS? हमारे पास ऑप्शन है, देखते हैं, ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों आपका संचार प्रणाली, ऑप्शन बी रहेगा आपका विषाणु जनित रोग, ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों आपका कवक जनित रोग और ऑप्शन डी रहेगा आपका इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सार्स सार्स है जो विषाणु जनित रोग होता है, SARS। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है फफूंदी, ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों आपका लाइकेन, ऑप्शन सी रहेगा आपका जीवाणु और ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों आपका विषाणु। तो आलू में मोजेक रोग का कारक होता है वो है विषाणु, ऑप्शन डी है हुआ है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? दोस्तों ये जो फूड एंड माउथ रोग है ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहेगा इस साल का, 2-3 साल से ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो फूड एंड माउथ रोग है वो अभी जंतुओं में काफी पाया जा रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है विषाणु, ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी रहेगा आपका जीवाणु और ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों आपका ये सभी। तो दोस्तों जो फूड एंड माउथ होता है वो विषाणु से होता है जंतुओं में, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए विषाणु। विषाणु जीवाणु किसे कहते हैं ये भी पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? हमारे पास ऑप्शन है, देखिए, ऑप्शन ए है इवानोवस्की, ऑप्शन बी रहेगा आपको एडवर्ड जेनर और ऑप्शन सी रहेगा आपका लिनियस और ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों आपका स्मिथ। दोस्तों सर्वप्रथम विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है लोकसभा के लिए, ऑप्शन बी रहेगा आपका संसद, ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों आपका राष्ट्रपति और ऑप्शन डी रहेगा आपका राज्यसभा। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं, जो भी सही हो रहा है उसको एक नंबर देते जाइए, एक पेज ले लीजिए उस पर 1-0-1-0 करते जाइए, लास्ट में टोटल कर लेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री जी, ऑप्शन बी रहेगा आपका राष्ट्रपति जी, ऑप्शन सी रहेगा आपका दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष जी, और ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों मुख्यमंत्री जी। दोस्तों संयुक्त संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, मतलब जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी रहेगा आपका राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों मुख्यमंत्री। तो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रहेगा आपका धर्म विरोधी राष्ट्र, ऑप्शन बी रहेगा आपका धर्म विरहित राष्ट्र, ऑप्शन सी रहेगा आपका अधार्मिक राष्ट्र, और ऑप्शन डी रहेगा धार्मिक राष्ट्र। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी धर्म वीर रहित राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं, लीलावती पुस्तक संबंधित है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पुस्तकों के बारे में जो आरआरसी के और आरआरबी के एग्जाम्स होते हैं उनमें काफी क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिएगा। हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं, देखिए लीलावती पुस्तक से संबंधित है, ऑप्शन ए दिया हुआ है वनस्पति शास्त्र से, ऑप्शन बी है गणित से, ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों आपका जंतु विज्ञान से, और ऑप्शन डी रहेगा आपका अर्थशास्त्र से। दोस्तों लीलावती पुस्तक है जो गणित से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने फिजिक्स से उठाया है, आपको बता दूं कि भौतिकी से तीन चार ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये उत्तल अवतल दर्पण, दूसरा इकाई पूछ लेते हैं, ठीक है। मैं एक दो दिनों में एक वीडियो बनाने वाला हूँ, एक तो नारे के बारे में, दूसरा इकाई के बारे में, और एक जीवाणु विषाणु और कवक के बारे में, तो उसमें सारी इकाइयों के बारे में डिस्कस कर लेंगे अपन। तो हमारे पास ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए समतल उत्तल अवतल, ऑप्शन बी रहेगा आपका समतल और अवतल, ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों अपना उत्तल अवतल, और ऑप्शन डी रहेगा आपका समतल व उत्तल। दोस्तों वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है समतल व उत्तल। क्वेश्चन इसका आंसर ऑप्शन डी है जो आपको पहले ही दिख गया था। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं, 23 नंबर, किसी नेत्र का निकट बिंदु है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रहेगा आपका 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों आपका 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी रहेगा आपका 2.5 मीटर, और ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों आपका 3 मीटर। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24, पारसेक इकाई है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है द्रव्यमान की, ऑप्शन बी है चुंबकीय बल की, ऑप्शन सी रहेगा आपका समय की, और ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों दूरी की। तो दोस्तों आपको बता दूं पारसेक इकाई है वो दूरी की होती है। अब 25 नंबर क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आपके जितने भी मार्क्स आते हैं 2, 4, 10, 15, 20, 25, आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है अपने नंबर, और देखने भी है कि बाकी स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए। दोस्तों एक छोटी सी विनती है मेरी, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा वीडियो है वो लाइक कीजिएगा आप 2000 स्टूडेंट डेली मेरा वीडियो देखते हैं, और उनमें से 200 लाइक भी नहीं आते मेरे वीडियो पे। अगर मेरा वीडियो पसंद नहीं है दोस्तों तो मत देखिए कीजिए, मैं मेहनत करता हूँ, तो मुझे भी थोड़ा कुछ दीजिए इसका बेनिफिट। तो आप एटलीस्ट लाइक कर सकते हैं, एक मिनट भी नहीं लगेगा आपको लाइक करने में, तो लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो दाब का मात्रक है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रहेगा आपका डाइन, ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों आपका जूल, और ऑप्शन सी रहेगा आपका वोट, और ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों आपका पास्कल। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी पास्कल। दोस्तों ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। अब आपको करना क्या है कि आपके 20 से 25 मार्क्स आए हैं तो आप कैटेगरी ए में हो। और दोस्तों अब मैं धीरे धीरे थोड़ा टफ करते जा रहा हूँ, इसका लेवल हाई करते जा रहा हूँ, तो घबराइए मत अगर आपके नंबर थोड़े डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपके 15 से 20 मार्क्स आ रहे हैं तो कैटेगरी बी है, और 10 से 15 वाले को कैटेगरी सी, और 10 से कम वालों को कैटेगरी डी। दोस्तों कैटेगरी का काम मतलब आप समझ चुके होंगे, मैंने कैटेगरी क्यों डिवाइड की है ताकि आप तैयारी कर सको और आपको पता चल सके आपके कितने मार्क्स हैं। एक छोटी सी और रिक्वेस्ट करूँगा कि जो अभी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि एक शेड्यूल बना लीजिए, जिसमें जीएस आपको कितने से कितने बजे के बीच पढ़ना है, मैथ कितने से कितने बजे के बीच, घूमना कितने बजे के बीच है। एक छोटी सी राय दूंगा कि शाम को 5 से 7 बजे,
और सुबह 5 से 7 बजे के बीच जितनी अच्छी तैयारी होती है वो दिन में किसी भी घंटे नहीं होती। तो याद रखिएगा मेरी बात कि शाम को घूमने की बजाय 5 से 7, 7:30 के बीच में थोड़ा सा 1-2 दिन पढ़ के देखो कितनी अच्छी तैयारी होगी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखते हैं आज मेरी वीडियो पे कितने लाइक आते हैं।